नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सैनंदन कुमार ठाकुर और अभी आप देख रहे हैं politichhub.com। स्टूडेंट्स, अभी सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है हमारे यहाँ की। एक्चुअली लॉकडाउन होने को है और इससे पहले लॉकडाउन ख़त्म हुआ था, तो नेक्स्ट हम लोग ऐसा लगता है कि फिर से लॉकडाउन में जाने को है। तो आप जहाँ भी है अच्छे से रहिए, घर में रहिए और पढ़ाई कीजिए। और हम लोग आपके लिए लाए हैं ऑनलाइन कोर्सेस इसी के लिए ताकि आपको घर से कहीं और नहीं जाना पड़े। स्टूडेंट्स राइट, आज हम लोग इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, वो कुछ ये कंक्रीट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ चुके थे। और उसके अलावा कंक्रीट के आगे हम लोगों ने डील किया था कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में जब हम सीमेंट पढ़ रहे थे इससे पिछले लेक्चर में, तो मैंने सीमेंट के बारे में बताया था कि सीमेंट बनता कैसे है। तो जब सीमेंट के बारे में मैं बता रहा था कि सीमेंट बनता कैसे है, तो उसमें मैंने एक चीज़ का इस्तेमाल किया था, रोटरी किरण का, है ना स्टूडेंट्स। इस प्रकार का एक रोटरी किरण था, घूमता हुआ भट्टी, और कुछ इस प्रकार से इसमें लगा हुआ था, इसका स्टैंड था रोटरी किरण का, ये भी एक स्टैंड था। और इसमें मैंने तीन जोन बनाया था, है ना। इस जोन का विशेष नाम था, इस जोन का नाम था ड्राइंग जोन, इस जोन का नाम था ड्राइंग जोन, और इस जोन का नाम था ये इस जोन का नाम था कैल्सिनेशन जोन। और इस जोन का नाम था स्टूडेंट्स क्लिंकरिंग जोन। स्टूडेंट्स, इसमें टेम्परेचर रेंज होती थी 400 डिग्री सेंटीग्रेड की होती थी। इसमें जो टेम्परेचर रेंज होती थी इस विशेष जोन में, यहाँ से यहाँ तक के बीच का 1000 होता था, और इसके यहाँ से होता था स्टूडेंट्स 1400 डिग्री सेंटीग्रेड का, 14 टू 15 कह सकते हैं स्टूडेंट्स, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता था इस विशेष जोन में, है ना। इस विशेष जोन में मतलब ये तीन जोन था। और हम लोग ये भी जाने थे कि इस तीन जोन में यहाँ पर क्या हो रहा था, इस जोन में बोगस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा था, बोगस कंपाउंड। तो ऐसा इसलिए हुआ था स्टूडेंट्स कि ये जो हम सीमेंट यहाँ से डाले थे, सीमेंट का रॉ मटेरियल्स डाले थे, तो वो धीरे धीरे मटेरियल जलते 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 या जब इस जोन में पहुँचता है तो इतना जल जाता है कि मटेरियल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो चेंज कर जाता है, और वहाँ से बोगस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट्स, बोगस कंपाउंड उसका नाम इसीलिए है क्योंकि उसको आइडेंटिफाई करने वाले साइंटिस्ट का नाम था क्या, बोगस। इसलिए इसका नाम क्या है, बोगस कंपाउंड। इस बोगस कंपाउंड में कितने स्टूडेंट्स आते हैं, जो हमारे बोगस महोदय थे उन्होंने यहाँ पर चार कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन किया था, है ना। तो ये चारों कंपाउंड थे, पहला था C3S, दूसरा था C2S, तीसरा था C3A, चौथा था C4AF। स्टूडेंट्स, इसका भी एक अपना अपना अलग इम्पोर्टेंस है। तो स्टूडेंट्स, ये जो बोगस कंपाउंड था यहीं से आता था, मैंने आपको ऐसा बताया। अब ये जो स्टूडेंट्स है, ये बोगस कंपाउंड, इसके पास कुछ न कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो कि सीमेंट में आती है, राइट। कभी किसी C3S जो है स्ट्रेंथ में ज़्यादा भूमिका निभाता है, C2S जो होता है C3S की अपेक्षा कम भूमिका निभाता है, C3A का जो अस्तित्व होता है सीमेंट में वो कहीं ना कहीं सेटिंग टाइम से रिलेटेड होता है, और C4AF का भी सेटिंग टाइम से रिलेटेड होता है। तो स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें जो है ये फोर बोगस कंपाउंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट स्टूडेंट्स। और इस फोर बोगस कंपाउंड के बारे में हम लोग ये करेंगे, अध्ययन करेंगे अभी। स्टूडेंट्स, इसको लिखना नहीं है अभी, क्योंकि ये हम समझाने के लिए बताए थे, और आप जब गेट प्रोसेस पढ़ रहे थे उस समय देखे होंगे कि बोगस कंपाउंड कैसे निकल रहा था, इसको जस्ट मैंने रिव्यू कर दिया है ना। मैं इसको फिर से लिखता हूँ, तो पहला जो स्टूडेंट था क्या, पहला जो बोगस कंपाउंड था, हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं, बोगस कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। अगर बोगस कंपाउंड के बारे में हम लोग कुछ लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं आफ्टर बर्निंग द रॉ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट,
आफ्टर बर्निंग दी रॉ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट कॉम्प्लेक्स सीमेंट फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टेक्स प्लेस। मतलब कि जब रॉक कंसिस्टेंट सीमेंट का बंद जब जलता है तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ना, और वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसका नाम क्या होता है, बोगस कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टेक्स प्लेस हो गया। दिस कंपाउंड वाज आइडेंटिफाइड बाय बोगस दस इट इज नोन एज बोगस कंपाउंड। मतलब स्टूडेंट्स ये जो बोगस कंपाउंड था कैसे बना हमने अभी आपको बताया और इसी चीज को मैंने यहां पर लिख दिया। अब ये स्टूडेंट्स है बोगस कंपाउंड। आप लोग हम जब इसे पिछली सेशन में अगर आप लेक्चर देखे होंगे तो वहाँ पर एक टर्म आया होगा हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो जो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट जो होता है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, ये मान के लिए सीमेंट का एक बैग है और इसमें पाउडर फॉर्मेट में सीमेंट है, इसमें से सीमेंट निकाले और इस सीमेंट के साथ क्या करते हैं, मान लीजिए कोई कंटेनर है इसमें सीमेंट डाल दिए हैं और इस सीमेंट के साथ हम वाटर ऐड करेंगे। क्या ऐड कर देंगे, वाटर। ये मेरा क्या है, सीमेंट है। जब सीमेंट के साथ वाटर ऐड होता है तो ये जो सीमेंट और वाटर के बीच में रिएक्शन होता है वो कहीं ना कहीं वाटर पार्टिकल और सीमेंट के बोगस कंपाउंड का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसके बीच में रिएक्शन होता है ना। ये जो अभी चार भी बताए थे आपको, वो चार कंपाउंड में से कोई हर एक कंपाउंड क्या करेगा, वाटर पार्टिकल के साथ रिएक्शन करेगा और वो जो रिएक्शन होगा उसका नाम होगा क्या, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, है ना। मतलब कि जब बोगस कंपाउंड वाटर पार्टिकल से रिएक्शन करता है तो उस प्रकार का जो रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। और उस रिएक्शन में एक्चुअली वो एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, दरअसल वहाँ पर एक प्रकार का हीट जनरेट होगा और वो जो हीट जनरेटेड होगा उसका नाम होगा हीट ऑफ हाइड्रेशन, राइट। तो स्टूडेंट समझ में आ रही है, हीट ऑफ हाइड्रेशन और हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो वहाँ पर इसको बोगस कंपाउंड में बना पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, बोगस कंपाउंड में लिखना चाहे तो भाई पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, बोगस कंपाउंड ये कैपिटल बी कर दे चुकी, किसी का नाम है GUES, बोगस कंपाउंड रिएक्ट्स विथ वाटर पार्टिकल व्हेन वाटर इज एडेड टू द पाउडर्ड सीमेंट। मतलब कि बोगस कंपाउंड क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है जब पाउडर सीमेंट में वाटर आप डालते हो, है ना। दिस केमिकल रिएक्शन इज नोन एज दिस केमिकल रिएक्शन इज नोन एज, क्या कह सकते इसको, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, हाइड्रेशन समझ में आ गया होगा यहाँ से। ये टर्म जो है इससे पहले भी हम पढ़ा चुके हैं और वो कैसे होता है, यहाँ से होता है, बोगस कंपाउंड से रिएक्शन करता है, ठीक है। एक्चुअली एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सिंस दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिएक्शन
सम अमाउंट ऑफ हीट इज ऑल्सो इवॉल्वेड, मतलब कि निकलता है ना, एंड इवॉल्वेड हो गया। दिस हीट इज नोन एज, क्या कहेंगे इसको, उसको कहेंगे हीट ऑफ हाइड्रेशन। आज समझे स्टूडेंट्स, अब ये जो बोगस कंपाउंड है वो चार बोगस कंपाउंड था, अब उसका हम नाम लिखेंगे राइट। तो चार कंपाउंड था तो हम इसको अभी हम इरेज करते हैं, अभी इसको राइट लिख लीजिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, दीज आर द फोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या क्या था, पहला एस्पिरेंट था इसका नाम हम लिखे थे C3S है ना, इसका नाम क्या कितना लिखे थे C3S लिखे थे। इसका जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन होता है स्टूडेंट्स सीमेंट के साथ वो कितना होता है 45-60% का होता है ना। C3S का जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन होता है सीमेंट में वो कितना होता है 45-60%। मतलब कि आप एक बात और नोटिस करो कि यहाँ पर क्या हो रहा था, जब हम सीमेंट का रॉक कंसिस्टेंस मिक्स कर रहे थे आपस में, उसको जब जला रहे थे तो जलाने के बाद हमको क्या मिल रहा था, ये चार कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा है ना। तो वो जो चार कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा इसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं होगा, एक्चुअली हम ये कंपाउंड डालते नहीं हैं है ना, ये कंपाउंड हम क्या करते हैं नहीं डालते हैं। तो इसकी जगह पर हम लोग रॉक कंसिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं, हाँ उस रॉक कंसिस्टेंस के जलने के बाद ये प्रोडक्ट के रूप में मिलता है हमको, इसीलिए ये कंपाउंड कितना अवेलेबल है उसका परसेंटेज आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं राइट। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इतना बोगस कंपाउंड आप ऐड कर रहे हो, हालांकि इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि आप इसकी इसमें इसकी परसेंटेज में छेड़खानी कर सकते हो है ना, क्योंकि ये अगर C3S रॉक कंसिस्टेंस जलने के बाद मिल रहा है तो किस प्रकार का रॉक कंसिस्टेंस दिया जाएगा कि C3S की वैल्यू ज़्यादा आएगी या फिर इससे कम आएगी, ये इसके इसका पूरा कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के पास होता है। मतलब कि जो इंजीनियर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिजाइन किया जाता है उसके पास इस बात की पूरी जानकारी होती है कि कौन सा कंसिस्टेंस डालेंगे तो किस प्रकार के बोगस कंपाउंड का फॉर्मेशन अधिक होगा है ना, ताकि सीमेंट के स्ट्रेंथ के साथ हमारी डीलिंग अच्छा हो सके, सीमेंट के सेटिंग टाइम के साथ डीलिंग अच्छा हो सके। तो ये सब चीज़ है ना, ये सब चीज़ इंजीनियर के पास रहता है, इसकी जानकारी रहती है। फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसमें उसका जो रॉक कंसिस्टेंस होता है वो जलने के बाद उसमें जो परसेंटेज अमाउंट में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पाया जाता है उसकी परसेंटेज क्या है राइट, कितना परसेंटेज है स्टूडेंट्स। ये एक्चुअली एक इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका जो एक्सपांडेड केमिकल फॉर्म है वो किस इस प्रकार का होगा है ना, वो क्या होगा, अगर हम यहाँ पर लिख दें एक टेबुलेटर फॉर्म में लिखे तो इसको लिख सकते हैं ऐसे है ना, यहाँ पर लिख देंगे है ना एक्सपांडेड नेम, ये हो जाएगा टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट है ना, मतलब कि 3CaO क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3CaO इंटू SiO2 ये हो गया इसका टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट। क्या पढ़ेंगे इसको स्टूडेंट्स, इसको पढ़ेंगे टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट, है ना। दूसरा था C2S, इसकी जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन होती है स्टूडेंट्स C2S की वो क्या होती है,
इसकी जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन होती है 15-35% की होती है ना। इसको पढ़ते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट। क्या पढ़ेंगे इसको? डाई कैल्शियम, डाई कैल्शियम ठीक है। उसके बाद जो तीसरा है वो होता है C3A। इसका जो कम परसेंटेज कंट्रीब्यूशन होता है स्टूडेंट्स वो होता है 4-15% का है ना, 4-14 का परसेंटेज का ऐसा परसेंटेज होता है। इसको पढ़ते हैं टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट Al2O3। क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स? टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट। नेक्स्ट इसमें सेंस होता है फोर्थ, फोर्थ का नाम होता है C4AF। इसका C4 जो F होता है इसका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन होता है 10-13% का होता है। और इसको पढ़ते हैं एक्चुअली ये 3 है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टेट्रा नहीं होगा है ना, यहाँ पर ट्राई होगा, यहाँ पर भी ट्राई होगा क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में 3 को ट्राई कहते हैं। तो ट्राई ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा है ना, 4 कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट और फेरेट है ना। तो क्या हो जाएगा? टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेरेट। तो स्टूडेंट्स इसको क्या पढ़ेंगे? टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेरेट। तो ये 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था जो कि है ना क्लिंकरी जोन में फॉर्म हो रहा था। अब तो ये 4 बोगस कंपाउंड है जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और इस 4 बोगस कंपाउंड में पहला है C3S जिसको बोलते हैं हम ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, और उसका कुछ एक्सपांडेड फॉर्म इस प्रकार का होता है, एक्सपांडेड नेम राइट। दूसरा क्या है? C2S जिसकी परसेंटेज कंट्रीब्यूशन इतनी होती है, और वो क्या है डाई कैल्शियम सिलिकेट के नाम से जाना जाता है ना। मतलब कि इस सारे चीज़ का इसका एक शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिख दिया गया है, इसका भी एक शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिख दिया गया है, इसका भी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिख दिया हुआ है, आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट है C3A, मतलब कि इसका नाम है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टाइकल सिम, इसका जो एक्सपांडेड फॉर्म ये है। तो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि ये C3A नहीं लिख कर ये लिख देगा, कहेगा इसके परसेंटेज कंट्रीब्यूशन क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा 4-14% है ना। तो इसीलिए ये सब चीज़ें ये जो है इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसको जितना स्टार मार्क्स लगा लो कम होगा। एक्चुअली इसका जो सिस्टम होता है बोगस कंपाउंड का, वो कंपिटेटिव एग्जामिनेशन में भी आता है। तो अब जो है स्टूडेंट्स ये जो प्रत्येक C3S क्या क्या सिस्टम होता है, क्या प्रॉपर्टीज के ऊपर कैसा प्रभाव डालता है, इसको हम पार्टिकुलरली एक एक करके देखेंगे राइट। तो अभी हम देखते हैं। तो ये जो बोगस कंपाउंड है, 4 बोगस कंपाउंड है, इस 4 बोगस कंपाउंड का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है ये राइट। तो उसमें पहले था क्या? C3S ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट में था क्या? इट इज हैविंग बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। ट्राइकैल्शियम सिलिकेट जो होता है स्टूडेंट्स उसमें क्या होता है? स्ट्रेंथ ज़्यादा देता है सीमेंट को। क्या देता है स्टूडेंट्स? स्ट्रेंथ जो होता है ट्राइकैल्शियम वो ज़्यादा देता है ना। तो ट्राइकैल्शियम सिलिकेट क्या कर रहा है? स्ट्रेंथ ज़्यादा दे रहा है, बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी है ना। उसके बाद मोस्ट ऑफ द C3S कंटेंट हाइड्रेट्स विद इन अ वीक, मतलब कि जल्द सेट करता है। ट्राइकैल्शियम सिलिकेट का जो हाइड्रेशन होता है, मतलब कि सेटिंग सिस्टम होता है, वो जल्द हो जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेट स्ट्रेंथ, 1-28 डेज का जो स्ट्रेंथ होगा उसमें रिस्पॉन्सिबल जब सबसे ज़्यादा होगा कौन सा कौन उसको, उसका नाम होगा क्या? ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। मतलब कि जो सीमेंट होता है उसका जो स्ट्रेंथ गेनिंग सिस्टम होता है वो लगभग 1 ईयर तक चलता है, 1 ईयर तक का उसका साइकिल होता है
लेकिन जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है वो 1 to 28 डेज में अपना काम तमाम कर लेता है, मतलब कि जो भी काम करना रहता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को वो 1 to 28 डेज में कर लेता है, राइट। इसीलिए कहते हैं कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए, पहले आने वाला जो स्ट्रेंथ होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, C2S है, मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, और ये कहता है इट इज हैविंग सीमेंटियस एक्शन आफ्टर C3S, मतलब कि ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के बाद जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होगा उसके पास थोड़ा सा कम पावर होगा स्ट्रेंथ में भूमिका निभाने की, है ना, मतलब कि इसके पास जो सीमेंटियस एक्शन होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के पास वो थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन, राइट। अब है बट रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इज लो एज कम्पेयर टू C3S एट हाइड्रेट्स अप्रॉक्सिमेटली इन अ ईयर। तो C2S का जो सिस्टम होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा C2S, है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक ईयर में, वन ईयर में क्या कर रहा था C2S सेट कर रहा था, है ना, अप्रोक्सीमेटली एक ईयर में सेट करेगा, मतलब कि वन ईयर में जो आने वाला स्ट्रेंथ होता है सीमेंट के पास अप्रोक्सीमेटली वो एक प्रकार का अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है और उसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट भूमिका निभाती है। तो आपको पूछा जा सकता है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ में भूमिका कौन सा बोगस कंपाउंड निभाता है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा वहाँ पर क्या, C2S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, राइट। नेक्स्ट वन आता है स्टूडेंट्स C3A की बात, है ना। अब इसके बाद थोड़ा सा इसके आगे देखते हैं तो क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेसिव और अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड इट हैज मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन। कहने का मतलब है, देखिए स्टूडेंट्स एक बात और आपको पता चलता होगा कि ये हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो कहीं ना कहीं सेटिंग एक्शन को दिखाता है, जिसको दिखाता है स्टूडेंट्स सेटिंग एक्शन को। तो सेटिंग एक्शन जितना ज़्यादा स्पीड में होगा उतना ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलेगा, और यहाँ पर कह रहा है कि इट हैज मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये एक साल में सेट करता है, एक वर्ष में सेट करता है, तो डेफिनेटली इसका सेट करने का जो रेट होगा बहुत कम होगा, छोटा होगा, इसलिए धीरे धीरे सेट करता है, राइट। तो इसको कहते हैं क्या, इसके पास मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। नेक्स्ट वन क्या है स्टूडेंट, C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसमें लिखा हुआ है इट हाइड्रेट्स विद इन 24 आवर्स, है ना। देखिए जहाँ भी एल्यूमिनियम का सिस्टम आएगा, एल्यूमिना का सिस्टम आएगा, वहाँ पर क्विक सेटिंग की बात होगी, जल्दी से सेटिंग की बात होगी, है ना। C3A जो होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट वो ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें जल्द से सेट करने की क्षमता होती है, है ना। तो C3A है वो 24 आवर्स के भीतर क्या हो जाता है, हाइड्रेट कर जाता है। क्विक सेटिंग एक्शन इज प्रोवाइडेड बाई C3A एट इज पॉसिबल फॉर फ्लैश सेटिंग इफ जिप्सम इज लेजर। अब ये बात आती है फ्लैश सेटिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैश सेटिंग, और ये फ्लैश सेटिंग के बाद ये फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा अगर जिप्सम कम रहेगा तब। तो स्टूडेंट्स इससे पहले की सेशंस में हम आपको बताया थे कि जिप्सम एक प्रकार का रिटार्डर का काम करता है, मतलब कि वो क्या करता है सेटिंग एक्शन को डिक्रीज करने का काम करता है, कौन तो जिप्सम। जब जैसे ही सेटिंग एक्शन डिक्रीज होगा तो करस्पॉन्डिंगली क्या होगा सेटिंग टाइम इंक्रीज कर जाएगा, मतलब कि धीरे धीरे सेट करेगा तो सेट होने में ज़्यादा समय लगेगा। तो अगर हम जिप्सम की अमाउंट कम कर दें तो क्या होगा, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के साथ ऐसा होगा कि जिप्सम की अमाउंट अगर आप कम कर दिया जाएगा तो उसके पास नेचुरल प्रॉपर्टी आ जाएगी, मतलब कि उसका जो सेटिंग एक्शन होता है सेटिंग एक्शन वो नेचुरल होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आप उसके सेटिंग एक्शन में कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिप्सम क्या है एक एडमिक्सर है, क्या है जिप्सम एक प्रकार का एडमिक्सर है, है ना, जिप्सम एक प्रकार का एडमिक्सर है, और इस एडमिक्सर को आप नहीं ऐड करोगे तो क्या होगा उसके इनिशियल सेटिंग टाइम में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर ये जिप्सम नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मटेरियल जो होगा जल्द सेट करेगा, है ना, क्योंकि उसमें किसकी अवेलेबिलिटी है एलिमिनेट की, ये ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट की अवेलेबिलिटी है ना, मतलब कि ये जो जिप्सम होगा उसको हटा देना है, उसके बाद वो मेरा मटेरियल जो होगा क्या हो जाएगा जल्द सेट हो जाएगा। फ्लैश सेटिंग कहने का मतलब होता है क्विक सेटिंग, क्या होता है क्विक सेटिंग, फ्लैश सेटिंग मतलब कि क्विक सेटिंग जल्द सेटिंग। नेक्स्ट है C3A हैविंग मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब कि एक्चुअली ये जल्द सेट कर रहा है
बहुत स्पीड में सेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो हीट जनरेशन होगा वो बहुत स्पीड में होगा, मतलब कि उसका जो सेटिंग एक्शन होगा बहुत ताकतवर होगा और बहुत जल्द सेट करेगा सीमेंट। ये प्रॉपर्टी, ये जो मटेरियल है ये बहुत जल्द सेट करेगा, है ना। नेक्स्ट है C4AF, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एक्शन एंड इट हाइड्रेट्स विदिन 24 आवर्स, बट इट इज लेस सिग्निफिकेंट एज कम्पेयर टू C3। आप जानते हैं कि C4AF जो है इसका परसेंटेज अमाउंट भी बहुत कम होता है, तो C4AF का जो परसेंटेज अमाउंट कम होता है लेकिन इसमें एलिमिनेट तो है, और जहाँ भी एलिमिनेट की बात आती है वहाँ पर आप जानते हैं कि एलुमिना किसी भी सीमेंट में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यो उसके सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्विक सेटिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर एलुमिना है, इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं ये जल्दी सेट करेगा, और जल्दी सेट करने का टाइम क्या था, जल्दी सेट करने का टाइम जो है 24 आवर्स था, है ना। तो इस प्रकार से कहा जाता है, कहा जा सकता है स्टूडेंट्स कि ये जो है इसके कंपेरिजन में लेस सिग्निफिकेंट है, इसके कंपेरिजन में लेस भूमिका निभाता है सीमेंट के अंदर। तो ये चार कंपाउंड रहा था क्या, बोगस कंपाउंड, और इसके बारे में मैंने आपको बताया, और आने वाले सेशन में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट्स के बारे में। देन थैंक यू।